पर हमारा मीडिया से गलत बात भी करता है, ये बात भी गलत है अपने मुल्क की जो अच्छी बातें आज, आज ये कैमरा भी है माइक भी है, आप बताएं कोई अच्छी बात जो पाकिस्तान में इस टाइम हो रही है हम उसके ऊपर बात करते हैं, मुझे बताएं क्या पाकिस्तान में। भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हर टाइम शुक्र करानी पटवारी इसका तो पैसे ये ऐसे नहीं, ये देखा ये ये इनको और कुछ नहीं आता, इनको और कुछ आता ही नहीं। ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान की पुलिस नहीं है। ना ना अगर वो कह रहा था ये पुलिस ना होता तो ये बजवा मार खा रहा था। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पे पुलिस ना होती तो मैं आपको बताता आपको मारता। हाँ तो मार रहा था। ये पश्तो थी जो उन्होंने लैंग्वेज बोली है, अफगानी लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज थी? नहीं ये पश्तो था, हमारा जबान था। पाकिस्तान के दुश्मन ये दुश्मन मुमालिक आते हैं, ये गलत पॉलिसी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीमान हूँ, आप देख रहे हैं नेशन गुरु। जब किसी पाकिस्तानी से बात की जाती है, भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि हमें पाकिस्तान के बारे में बात करने की जरूरत है, भारत के बारे में बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन एंकर जब उनसे पूछता है कि आप बताइए कि पाकिस्तान के अंदर क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले वो कहते हैं कि पाकिस्तान कलमे के नाम के ऊपर बना है, हम मुसलमान हैं इसलिए हम भारत से आगे हैं। इसी तरीके का आज हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है। सबसे पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। दुनिया को यही तो बात, मीडिया को ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, दुनिया का को नहीं दिखा, सोशल मीडिया पे वैसे हर भाई यही तो बात करता है। मुल्क के बारे में अच्छी बात बतानी चाहिए सर, अच्छी बात ही बता। अमेरिका में भी डकैतियां होंगी, अमेरिका में दुश्मन लोग मरते होंगे, पर हमारा मीडिया से गलत बात भी करता है, ये बात भी गलत है अपने मुल्क की जो अच्छी बातें। आज ये कैमरा भी है माइक भी है, आप बताएं कोई अच्छी बात जो पाकिस्तान में इस टाइम हो रही है हम उसके ऊपर बात करते हैं, मुझे बताएं क्या पाकिस्तान में। भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हर टाइम शुक्र करानी है, वो ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं उसके ऊपर खबर चलाते हैं, उसके ऊपर लोगों से बात करते हैं, बताएं क्या यार, बताओ क्या अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ घूम रहे हैं लोगों के पास, लाखों के मोबाइल हैं, करोड़ों की गाड़ियां हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ अच्छी है। मुझे मैं कह रहा हूँ मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करना है, मुझे बताएं किस टॉपिक पे करें, क्या चीज़ अच्छी पाकिस्तान में हो रही है उसके ऊपर आज प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हैं, मुझे बताएं ना यार। पाकिस्तान में अच्छा गया, हम तो शुक्र है काम भी मंदा है, पर फिर भी कह रहे हैं शुक्र करना चाहिए, मंदा है यानी काम नहीं जा रहा है भी शुक्र करना चाहिए, क्या कर सकते हैं वो निजाम है। भाई जान कोई ऐसी खबर बताएं, अच्छी खबर पाकिस्तान के बारे में जिसके ऊपर आज हम वीडियो रिकॉर्ड करें, कोई अच्छा काम हो रहा है यहाँ इस टाइम? अच्छा काम तब तक नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क में निजाम ठीक नहीं होगा। नहीं, और अभी हो रहा है कुछ ऐसा जिस कोई भी कुछ नहीं ठीक, यार पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डॉलर सस्ता हो रहा है, फिर महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, कोई बात नहीं। पटवारी इसका तो पैसे ये ऐसे नहीं, ये देखा ये इनको और कुछ नहीं आता, इनको और कुछ आता ही नहीं है, सोच ही कुछ नहीं रहे, और आप उससे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं लोगों के पास लाख रुपए का मोबाइल है उनके अपने। आप भी पब्लिक हैं, ये भी पब्लिक है, मैं भी पब्लिक हूँ, पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, आवाज उठाता हूँ, हम आपस में अगर लड़ेंगे आप इन्हें पटवारी में नहीं लड़ रहे हैं, हक की बात जो मना नहीं करेगा ना हमेशा वो पटवारी होता है। जो पटवारी जूतियाँ चूतियाँ ये बात गलत है, ये गंदी बातें होती हैं, बात गलत है। नहीं, मैं तो ये बात कहता हूँ और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम रोते हैं कि भाई नहीं कोई चीज चेंज हो रही, नहीं कोई चीज बेहतर हो रही, आए मिलके बेहतर करते हैं, लेकिन जब तक हम अपनी गलती को मानेंगे नहीं, ये अगर लेट्स सपोज कह रहे हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है, मैं भी ये कहूँ सब अच्छा है, आप भी ये कहें सब अच्छा है, ऐसे कोई बेहतरी आएगी? भाई सब अच्छा कैसे है बता देना, कोई इसका रीजन बता, रोने से क्या होगा बताओ, रोने से हुक्मरानों को बताओ, लीडर को पता चलेगा परेशान, पब्लिक परेशान, उनको तो महंगाई का पता है परेशान, क्या कर लेंगे हमारे लिए, हमें दाने तो नहीं डाल के देंगे ना, वो करना तो हमने खुद ही है, इसका काम नहीं, वो कहता करने तो बताओ रोगे क्या बताएंगे उनको, ये भूखे मारने में हाड़ा सोचो आगे की करना, बांटेंगे मुसलमान कहते पहले बांटे, ठीक है नहीं वो बांटे। टॉपिक की तरफ आते हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है जमहूरियत है? जमहूरियत तो नहीं, इसलिए तो नुकसान हो रहा है ना भाई, जमहूरियत तब होती है जब एक पार्टी इलेक्ट हो गया है ना, तब होती है, और वो अपना टेन्योर भी पूरा करे, जाहिर ये बात है। अच्छा, अभी तीन जमातें बैठी हैं, हुकूमत ही तो साढ़े तीन महीने होते धरना देके बैठे रहे हो, अनुरोमी की नजर नहीं आई, वो तो राइट है ना, पूरी हो जिसकी भी हो पूरी हो राइट। चाइना का वजीर आजम माना था पाकिस्तान में उस वक्त, इन्होंने वो उनको नजर नहीं आ रहा था मशीद साहब करने के लिए, उनकी बात नहीं की, 2018 में डॉलर 95 रुपए का था, इधर वो ना तो नवाज शरीफ की उन्होंने एक दफा नाम लिया है, ना उन्होंने आसिफ अली जरदारी का नाम लिया है। मुझे ये बताएं आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, खैर मतलब उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी अपनी ओपिनियन है, ये बताएं चेंज कैसे आएगा, चेंज ऐसे ही आएगा डेमोक्रेसी का, जब तक इलेक्शन नहीं होते एक पार्टी नहीं आती तब तक कुछ भी नहीं होना है। इमरान खान साहब ने भी आज स्पीच की है, स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि पाकिस्तान में 75 साल से डेमोक्रेसी की कोई समझ नहीं आ रही, उन्होंने बोला है कि इंडिया हम पे हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हम बात किससे करें, तो आज वो बात उनकी सच होती नजर आ रही है। बिल्कुल ये बात है, इसलिए तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना कि बताएं कैसे हाल, यही है कि एक साफ इलेक्शन हो,
उसमें जो भी आए वो जमहूरियत का उससे मजबूत होगी, इस तरह नहीं होनी। तो हम ये आपस में जो लड़ते हैं, यानी कि यहाँ खड़े खड़े पब्लिक आपस में लड़ पड़ती है, पॉलिटिशियन फिर इकट्ठे हो जाते हैं, पब्लिक आपस में जितना मर्जी लड़े उनको कोई असर नहीं पड़ना, समझ आई? आपको पता है कि इस वक्त जो निजाम चल रहा है क्या बेहतर है, वो सब चेंज कैसे आएगा ये बताएं, फिर वाइंड इलेक्शन से आएगा। असल में मसला ये हुआ है ना कि अब जब कायदे आजम साहब ने बनाया है पाकिस्तान, तो उसके बाद बदकिस्मती हमारी के वो जल्दी गुजर गए। अगर वो कोई आइन दे जाते उस वक्त टाइम पे, तो शायद हमारी भी आजकल डेमोक्रेसी अच्छी होती, लेकिन उस वक्त उनकी पहली हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली 1949 में कोई वो करारदार मकासद पास कर रही है, और हमारे पास टाइम नहीं मिला सियासतदानों को कि वो पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरह इंडिया को मिल गया कि उन्होंने अपनी फ़ौज को जो आजकल सारे मामलात पे हैवी है, उन्होंने उनका किरदार वाजिया कर दिया कि आप लोगों का यही काम है कि आपने बॉर्डर की हिफाजत करनी है। आपने बोला हमें टाइम नहीं मिला, 75 साल हमें भी मिले, 75 साल उन्हें भी मिले, हमें कैसे टाइम नहीं मिला? टाइम ये कि जो आजकल हमारे डेमोक्रेसी के टाइम नहीं मिला, मैं ये बात कर रहा हूँ कि मतलब कि इस तरह हुकूमत की है तो वो 35 साल या 40 साल तो इन डिक्टेटरशिप में गुजारे हमने, तो अगर वो बाकी हमारे पास 35 साल बचते भी हैं तो उसमें एक भी पीएम हमारा पूरा अपना टेनोर नहीं करता, तो फिर हमें टाइम कहाँ मिला? तो हम आपने इसी तरह माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि भाई माशाल्लाह अच्छी बातें कर रहे हैं, लिखी एजुकेटेड ना, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। अब देखना कि पाकिस्तान में देखें जैसे आप चैनल हैं ऐसे काम पहले नहीं थे, अब देखना आज ये कुछ साल ही हुआ है इतने यूट्यूब चैनल हो गए हैं, अच्छी बात है, लड़कों को काम करना चाहिए, चलो ये डॉलर ही कमाएंगे, चलो पाकिस्तान में आएंगे इसी वजह से आएंगे, किसी वजह से और कुछ नहीं, ये तो फायदा है डॉलर पाकिस्तान में आएंगे, ये तो काम कर रहे हैं। लास्ट में मुझे ये बता दें बेहतरी कैसे आ सकती है, हकीकी मायनों में पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे बनेगा, कब बनेगा, और यूथ का इसमें क्या पार्ट होना चाहिए, क्या इसमें रोल होना चाहिए? अच्छा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान इंशाल्लाह डेमोक्रेटिक एक बनेगा मुल्क, यूथ का इसमें पार्ट सिर्फ ये वोट देना ना हो, ये खुद अपने सियासत में हिस्सा लें, इनको पता है जो हमारे जिसको हम वोट देते हैं वो इतने लायक इंसान नहीं है, वो बुजुर्ग हैं या वो मतलब कि उनके काम नहीं करते, ये खुद आके लें उसमें हिस्सा। और दूसरा यही है कि सियासतदान तो खुद पार्टियां छोड़ते नजर आ रहे हैं, अभी ये इस हफ्ते की अगर बात करें कितने पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि भाई हमारा तो पॉलिटिक्स से कोई तल्लुक नहीं है। नहीं, वो असल में अगर पार्टियाँ छोड़ रहे हैं तो वो कोई फौज में भर्ती तो नहीं हो रहे हैं, उन्होंने कल को भी इलेक्शन ही लड़ना है, अगर उनको कोई काम ही आता है तो इसका सादा सही हाल है कि हम इसको टाइम दें डेमोक्रेसी को अपनी। होगा जो फ्रांस में जनरल बाजवा साहब के साथ हुआ है आपको पता है? गलत बात है यही, हाँ साहब वो देखे ना वो बाहर बह के गलत काम करा रहे हैं, वो यूथ जो बाहर के प्रोग्राम है वो गलत काम कर रहे हैं, उसमें कादियानी भी शामिल हो सकते हैं जो मुल्क का सत्यानाश कर रहे हैं, ऐसा ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे साथ एक भाई मौजूद है, एक बस ये मुझे थोड़ा सा बता दें आज जो जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, ठीक है ये बताएं मुझे बस आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, दो सवाल पूछ जल्दी। हाँ एक दो सवाल मैंने सिर्फ ये पूछना है, जो आपने वो वीडियो देखी है जो बाजवा साहब की वो हुआ है, वो बोल क्या रहे थे? आप तो उस लैंग्वेज को समझते हैं, मैं नहीं समझता, क्या बोल रहे थे? यार वो ये बोल रहा था अगर ये पुरुष ना होता तो नहीं है, तो इतना मार खा रहा था नहीं है, लेकिन अभी वो कह रहे पुरुष से पीछे, ठीक है वो ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान की पुलिस नहीं है। ना ना, अगर वो कह रहा था ये पुलिस ना होता तो ये बाजवा मार खा रहा था। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पे पुलिस ना होती तो मैं आपको बताता आपको मारता। हाँ तो मार रहा था। ये पश्तो थी जो उन्होंने लैंग्वेज बोली है, अफगानी लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज थी? नहीं नहीं, ये पश्तो था, हमारा जबान था। पाकिस्तान के दुश्मन ये दुश्मन मुमालक रहते हैं, ये गलत पॉलिसी है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी ने ही ये बात पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 30 साल से ज्यादा जो है मार्शल्ला लगा रहा है। इसके बाद में जब भी वहाँ पर कोई नेता बनता है, मतलब प्रधानमंत्री बनता है, तो उसको हमेशा मिलिट्री राज के अंदर ही काम करना रहता है। अगर उससे वो थोड़ा बहुत भी आगे पीछे जाता है तो उसको तुरंत हटा दिया जाता है, उसके बाद में उसको मार भी दिया जाता है या फिर उसको देश छोड़कर जाना पड़ता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे उनके पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, उनको भरी सभा के अंदर गोली मार दिया गया था, उसके बाद में उसकी कोई छानबीन नहीं हुई, वो भी फौज के खिलाफ जा रहे थे, इसके बाद में वहाँ पर मार्शल्ला लगा दिया गया। इसके अलावा आप देख लीजिए परवेज़ मुशर्रफ को जब डिक्टेटर थे उनको भी देश छोड़कर जाना पड़ा जब उनकी सत्ता चली गई। नवाज शरीफ को आप देख लीजिए जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे, सेना ने उनको अरेस्ट कर लिया, उसके कुछ दिन के बाद में उनको देश से निकाल दिया गया। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर जो विपक्ष होता है वो हमेशा देश के अंदर रहता है, क्वेश्चन करता रहता है, जो देश के मुद्दे होते हैं उनके ऊपर हमेशा सवाल उठाता रहता है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इस चीज़ को ऐसे किया जा सकता है, जैसे भारत के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, या फिर दुनिया के बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहाँ पर ये चीज़ें हैं। भारत के अंदर विपक्ष स्वतंत्र रहता है, वो अपनी बात कर सकता है, अपने क्वेश्चन उठा सकता है, इवन एक छोटा सा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री से क्वेश्चन कर सकता है, ये हमारे देश की डेमोक्रेसी है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने आर्मी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया है तो आपको उठा लिया जाएगा, फिर आप चाहे प्रधानमंत्री हो, फिर चाहे आप जो है वहाँ के
न्यूज रिपोर्टर हो, पत्रकार हो, कुछ भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। और ये सारी चीज़ें उसी देश के अंदर होती हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती है, जहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जिसमें हर पाकिस्तानी ये कहता है कि भैया हमारा देश सबसे अच्छा है, सबसे बेहतरीन है, और हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, और हम जो है भारत से बहुत आगे हैं। इसके अलावा हमारा जो है देश जो है वो कलमा के ऊपर बना है, इसलिए हम बहुत आगे हैं, और हमारी तुलना भारत से करना बिल्कुल बेकार है। ऐसी बहुत सारी बातें पाकिस्तानी करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में उनसे कोई भी एंकर ये पूछता है कि आप मुझे ये बता दीजिए, ये तो हो गई सब भावनाओं वाली बातें, लेकिन आप मुझे एक फील्ड ऐसी बता दीजिए जिसमें भारत से पाकिस्तान आगे है, तो वो दान दिखाने लगते हैं। जैसे ये भाई साहब दिखा रहे थे, पहले ये कह रहे थे कि हर एक आदमी के पास में लाख रुपए का फ़ोन है और करोड़ों गाड़ी है। कितने लोगों के पास में है? तुम्हारे आर्मी पर्सन, इसके अलावा जो पॉलिटिशियन है, और जिसके अलावा जो चोरी चकारी करते हैं, इनको छोड़कर पाकिस्तान के पास में किसके पास पैसा है आप बता दीजिए हमको। आपके यहाँ पर गाड़ी हमको ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, मेहरान जैसी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जिनको भारत के अंदर 800 कहा जाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका देश कितना तरक्की के ऊपर है। और आप 1 लाख के फ़ोन की बात करते हो, आपके यहाँ पर लोग चाइनीज़ फ़ोन नहीं खरीद पाते हैं। कई सारे वीडियोज़ आई हैं जिसमें एक छोटा सा चाइनीज़ फ़ोन आपके यहाँ 15 से 20 हज़ार रुपये मिलता है, और आप बात कर रहे हो कि जो है हमारे हर आदमी के पास में लाख रुपए का फ़ोन है, खाने के लिए आटा नहीं है, 3-3 किलोमीटर तक लाइनें लगती हैं, लोग मर रहे हैं आटे के लिए, और आपका देश भारत से आगे है। सिर्फ मुसलमान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन देश तभी तरक्की करेगा जब आप मेहनत करोगे। ऐसे जाहिलों जैसी बातें, हवा हवाई जैसी बातें करने से कुछ भी होने वाला नहीं है, बिल्कुल 100% बात सही है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और इनके लिए अगर आप कोई कमेंट छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।